नाम बताओ भैया। मेरा नाम देवेंद्र शर्मा। कहाँ रहते हो? मैं यहाँ धारवाड़ा से आगे खुशकेडा इंडस्ट्री एरिया, उसके पास एक छोटा सा गांव, वहाँ से। क्या होता था? मेरे को कुछ नहीं, मैं अपने, मेरा एक दोस्त है, मैं उसके साथ मोबाइल शॉप पे था, रहता था, मैं उसके साथ काम ही करता था। तो 12 एक बजे के आसपास दोपहर में खाना खा के मैं फील्ड में गया, आने के बाद कोई नहीं था शॉप पे, वो बंदा था, वो मार्केट चला गया, मैं अकेला था शॉप पे। तो मेरा जी घबराना स्टार्ट हो गया, जैसे बीपी। तो मेरा एक दोस्त है मेडिकल वाला, मैंने उसको फ़ोन किया, वो आ गया, क्योंकि हम सारे साथ बैठते थे। तो उन्होंने जब चेक किया तो 150 था बीपी, वो तो हमेशा रहता था मेरा। तो उसके बाद ऐसे ही था, बोलो जी घबरा रहा है। तो मेरा वो दोस्त आ गया, मैं उसे घर के जस्ट पीछे ही दुकान में, उसी की मार्केट थी, घर था, मैं घर जाके सो गया, सही हो गया। दूसरे दिन मैं थोड़ा ऐसे ही था, तो मैं अपने घर पे रुक गया, 8-10 किलोमीटर दूर पड़ता है मेरा दोस्त का जो घर है मार्केट। फिर उसके बाद बस ऐसी बेचैनी बढ़ी, हार्ट बीट बढ़ जाती थी, जी घबराना, ऐसे लगता था जैसे दौड़ भग, बस ऐसे परेशान था। फिर एक ने बताया, बोला कि भाई तू चेक करा, मैं चेक कराया तो बोला कि भाई तेरी पल्स बढ़ रही है, शायद तेरे को हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैं डॉक्टर बोला मेरा अभी से हार्ट, बोलो हो सकता है, बच्चों के भी हो जाता है। मेरे को रेवाड़ी चेक करा दिया, वो इको हुआ, हार्ट की जाँच हुई, ECG वगैरह वगैरह सब कुछ हुआ, सब नॉर्मल। तो एक बोला कि इसके कुछ ना है, इसके वैसा ही ओपरा पराया है। तो मेरे गाँव में था एक को, उसको दिखाया तो ऐसा कुछ नहीं। तो एक ने बोला कि उपाला जी जाता है, तो उसके वहाँ चला जाए, मैं वहाँ गया। जाने के बाद उसने मेरे से नाम पूछा, बस बोला तेरा नाम क्या है, गांव क्या है। उसने बताया तो बोला कि तेरी रोक लगी हुई है। तो हर काम में रोक लगी हुई थी। मतलब हाँ, बोलो मल जी मेरे शरीर में दिक्कत है, मेरे को बेचैनी बढ़ती है। तो उसने मेरे को ऐसे, जैसे कि यहाँ पे भैया लोग चेक करते हैं, ऐसे हाथ लगा कैसे किया, तो किलकारी आने लगी। कुछ नहीं, उसने उठाया, भेज दिया, बोलो बालाजी चल। तो एक बंदे का खर्चा था 4,000 रुपये। 4,000 में तेरे को बालाजी लेके जाऊंगा, वहाँ धर्मशाला लेंगे, जैसे कि अपना ये यहाँ पे 500 गज में रोकते हैं, और वहाँ उतारा उतारा जो भी होगा हमारा रहेगा। पर यहाँ तो पैसे नहीं लेते ना भाई, यहाँ से तो 1 रुपया भी नहीं है। जो हम हवन करेंगे तो उसका तो देखो हर जगह ही है जो अपना। फिर बताओ। उसके बाद क्या था कि बोला ठीक है, मैं वहाँ चला गया 2-3 महीने। जैसे एक बार ही गया था मैं महीने भर में, 15-20 दिन बाद हम गए। तो उसके बाद मैं आ गया, तो 21 दिन के व्रत देते हैं, जिसके अंदर अखंड जोत जलेगी, एक टाइम आपको खाना खाना है, रोटियां भी बिगर चुपड़ी हुई, बिगर सब्जी से, या तो हरी मिर्च से खाओ, या आलू में काला नमक डाल के उससे खाओ, 21 दिन वो क्या अखंड जोत चली, जमीन पे सोना है। मतलब ये कठिन जो भी तपस्या थी वो मैंने की। कुछ नहीं, 2.5-3 महीने बाद बोले कि भाई वो सवामणि देते, मत चलो सवामणि, तो वहाँ 10-11 हज़ार होता है सवामणि भाई, वहाँ पे जाके छोटा सा भंडारा करवाना पड़ता है, तो एक बंदे के हिस्से में आते 10-11 हज़ार रुपये। तो वो दे दो 4,000 जाने का खर्चा, और 1,000-1,500 रुपये ऊपर जो मंदिर वंदिरों में 10-20 रुपये आप अपनी इच्छा अनुसार चढ़ाते हो। ऐसा था, कोई फर्क नहीं हुआ। मैं शायद भैया की मंजूरी नहीं थी, इसलिए मैं 2 साल से नहीं आ पाया। कौन भैया? मनु भैया, मैं तो यही बोलूंगा, क्योंकि मैं 2 साल से इनकी वीडियो देख रहा था, 2 साल से फॉलो कर रहा हूँ इनको जी। तो देखता था, सबसे पहले मैंने एक वीडियो देखी थी, एक बच्ची की थी, उसके अंदर कोई यहाँ से क्या बोलते हैं नोएडा का कोई वो बच्चा था, एक्सीडेंट होकर एक्सपायर हुआ था। फिर पहली वो वीडियो देखी, और देखी, फिर एक लड़की की देखी थी जिसकी किले बनती थी, यहाँ से भैया दिखा रहे थे। अभी की बात थी हम, मैं बता रहा ना, मैं बीच बीच में देखता रहता था, मैं मोस्टली बता रहा हूँ जो मैंने पूरी देखी है। फिर काफ़ी देखता रहा, फिर मैंने ये सोच रहा था, मैं एक दो बार बोला, मैंने देखो कुछ है तो मेरे को भी खींच लो, क्योंकि मैं यहाँ तो सही वहाँ पे जाता था, मैं झाड़ा लगाया, कभी पेशी आ गई, कभी पितर बता दिया, कभी जिंद बता दिया, कभी भूत बता दिया कि ये कराया रहा है, जैसे बबकार देते थे। पहुंच गए आप सुनी नाम? मेरे को 6 दिन। अब क्या आपको लग रहा है, कितने लाभ? मेरे को लग रहा है जैसे कि मैं 4-5 रोज से बहुत ज़्यादा परेशान था, जी घबराना, ऐसा मन करता था घर से भग जा, हार्ट बीट बढ़ जाना, मतलब जैसे प्राण निकले, पैर टूटे टूटे, मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। फिर उसके बाद मैंने सोचा, मैंने यार अब मंगलवार को गया, फिर शनिवार को गया, मैं परे मतलब टूट चुका था मैं बहुत बुरी तरह। तो फिर मैं बहुत जी घबराना, फिर घर वाले बोले कि उसके नहीं भेजेंगे अब तेरे को, कोई और देखेंगे, एक दो से और बात की। तो मेरी एक सिस्टर है यहीं पे, ये ज़्यादा दूर नहीं है, जोड़िया जमालपुर, तो वो भी गुरुजी को फॉलो करती है, वो वीडियो देखती है। तो उन्होंने बोली भाई तू एक काम कर, तू शनिधाम चलो जा। तो मतलब शनिधाम तो वहाँ दिल्ली है, और वहाँ ऐसी जीव व्यवस्था, मैं दिल्ली कहाँ आऊँगा। तो उन्होंने बोली ना, अब तो एड्रेस उसने मेरे को स्क्रीनशॉट भेज रखे हैं, तो उन्होंने बोली तू यहाँ चला जा, यहाँ से ऐसे ऐसे जा। फिर मैं वहाँ से घूम के, फिर मैं उस दिन में बुधवार को मैं इतना परेशान हो गया था कि मैं ये सोच रहा था कि कैसे ये दिन और रात निकले। क्या मेरे को इतना डर लगता था, मेरी नानी आई है, मेरी मम्मी का एक हाथ एक पैर फ्रैक्चर और हो गया,
वो गाय से हो गया था, मतलब दिक्कत बहुत पुरानी बता रहे थे भैया, तो 3-4 साल से ज़्यादा परेशान है। तो 2 साल तो मेरे को ही हो गए, और साल भर से कभी कोई बीमार। 6 दिन हुए हैं आपको आए, तो 6 दिन में आपको क्या लाभ हुए, क्या फायदा? तो मेरे को ऐसा ही है कि जिस दिन मैं आया था, बृहस्पतिवार को आया था, उस दिन 5 गोले और ये बताया कि यार शुक्रवार को मैंने मतलब थोड़ी बेचैनी सी हो रही थी, पेट में दर्द दिया, तो मैंने भैया को बताया, तो इन्होंने पेट वेट में जो करते हैं अपना वो किया, पीठ में किया, उसके बाद मेरे को आराम में कभी कभी थोड़ा दबाव पड़ जाता है, ना तो मेरे को हाजिरी आ रही, ना पेशी आ रही, ना मेरा जी घबरा रहा, ना कुछ पल्स वो तो है ही नहीं, सब नॉर्मल हो गया। मैं बता रहा ना, मेरी नानी आई हुई है, उनसे पता करो, मैं मेरी मम्मी के साथ सोता था, मेरा जी घबराता था, मेरी मम्मी कहती थी बेटा यहाँ के सो जाना, मैं ऐसे जैसे बात भर के सोते हैं छोटे बच्चे, ऐसे सोता था मैं, इतना डरता था मैं अपने दिल की बता रहा हूँ, अब भी मैं अपने दिल की ये बता रहा हूँ, मैं घर पे जाऊंगा तो क्या इसकी नानी आई भी थी मेरे पास, इसकी नानी ने मुझसे कहा भी था, मैंने कहा चिंता मत करो, 2-4 दिन ये मेरी नानी है, ये 5-7 दिन, हाँ 5-7 दिन यहाँ बैठेगा, ठीक हो जाएगा। अब मेरे को ऐसे ही कहा था ना मैंने माता जी, अब भी मेरे को इस चीज का डर, जैसे मैं घर पे जाऊँ कभी फिर दबाव पड़ जाए, देखो डर तो डर होता है क्योंकि मैं 2 साल से भुगत रहा हूँ, कभी घर पे जाऊँ फिर घबराहट हो जाए, कभी डर लगे, कभी भय हो, जाके देख लेना। नहीं मैं तो 8 दिन कम्प्लीट करके आपसे मिल के आप इजाजत दोगे तब जाऊंगा। ठीक है, बोलते शनिदेव महाराज की जय। जय शनिदेव, जय शनिदेव। बोलते हो तो जैसे मैं अभी आऊंगा।